Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the future perfect tense. In this video we shall learn helping verb, main verb and formation of sentences in future perfect tense. So let's begin. First of all, future perfect tense, helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? तो यहां शैल, हैव, विल, हैव. शैल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं और विल हैव बाकी अदर सब के साथ. विथ और मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होता है यह वर्ब थर्ड फॉर्म या इसी को हम जो है पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. अब इसमें भी सिंस फॉर के यूज होते हैं, इसके यूजेस डिफरेंट हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसमें देखेंगे कि इसके सेंटेंस कैसे, सिंपल सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. तो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें हम देखें स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कि ये होते कैसे, बनते कैसे हैं. इसमें सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. तो यहाँ एग्जांपल्स अगर हम देखें, ही will have finished the work by then. We shall have We shall have submitted our assignment by the time you come. यहाँ पे कैसे इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं इसके हम यूजेस में बताएंगे कि किस तरह से इसमें हमारा फ्यूचर परफेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट कैसे इसमें हम यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस इसका अगर हम बताएं तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव. स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं, शैल हैव नॉट लगाते हैं, लेकिन यह ऑलवेज होता है विल और हैव के बीच में, यानी विल शैल और हैव के बीच में नॉट लगता है प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स. अब यहां पे फार्मर्स विल नॉट हैव प्लोड द फील्ड. फार्मर्स विल नॉट हैव प्लोड द फील्ड या फिर आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द टास्क टिल देन.
बाई का यूजेस ज़्यादा बेहतर होता है यहाँ पर, बाई देन। तो यह हमने आपको नेगेटिव बताया कि और नेगेटिव सेंटेंस कैसे है, विल और हैव के बीच में यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हुआ है। देखिए विल शैल के हैव के बीच में ही क्या है, नॉट वर्ड यूज हुआ है। अब अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे विल शैल पहले आ जाएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। इसके अगर एग्जांपल्स में देखें, जैसे विल दी फार्मर्स have plowed the field question mark। तो यहाँ पे देखो इसी सेंटेंस में अगर हम इसमें चेंज करें यहाँ पे तो will पहले यूज हो गया और फिर farmers, तो will the farmers have plowed the field। shall We have reached the destination by 5:00 PM। तो यहाँ पे यह हम जो है यूज किए किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल का ये स्ट्रक्चर हमने लिखा और सेंटेंस कैसे फ्रेम किया ये। इसके बाद से हम देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉन रीजनेबल में, तो यह जो होंगे सेंटेंस इसी में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पे विल द बॉयज नॉट हैव finished writing by then, ये question mark। तो will the boys not have finished writing by then, या फिर shall I not have submitted the assignment, shall I not have submitted the assignment by Monday। तो यहां पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल है जहाँ पे सब्जेक्ट और फिर हैव के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हुआ, जैसे कि सब्जेक्ट और हैव के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस किया गया है यहाँ पे। इसके बाद से अब हम देखें रीजनेबल इंट्रोगेटिव इसमें किस तरह से होंगे, तो यहीं पर इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस will shall plus subject plus have plus verb third plus other words। ये देखें किस तरह से यहां पे हम reasonable interrogative बनाएंगे,
how will the boys have written? How will the boys have written the notes without teacher's instructions? यहाँ पे हाउ विल द बॉयज हैव रिटेन द नोट्स विदाउट टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको हमने इसमें बताया है कि हम इसे किस तरह से कंप्लीट करते हैं, किस तरह से हम इसमें लिख रहे हैं। दूसरा इसी में हम अगर लिखें वाई शैल वी नॉट reached the hilltop, why shall we not, sorry, have reached the hilltop if we स्टार नाउ। तो यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस तरह से हमने हाउ व्हाई यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वह यूज होंगे और इस तरह से सेंटेंस हम अपना फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसके रीजनेबल निगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। ये यहाँ पे सेंटेंस हमने बताया आपको कि इस तरह के इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि why will the students have not, why will the students have not completed the given task by Tuesday? तो why will the students have not why will the students not have completed the given task by Tuesday? अगेन यहां पे हम देखें नेक्स्ट सेंटेंस देन होगा वाई शैल वी नॉट वाई शैल वी नॉट हैव रीच्ड द हिल टॉप इफ वी स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन वर्ड विल शैल यूज हुआ है, देन सब्जेक्ट यूज हुआ है, फिर नॉट एंड देन हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में और फिर यहाँ पे जो है कि इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया, किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे।
टिल देन अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर इसके हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तब तक आप बुक के हेल्प से, वीडियो की हेल्प से इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करते रहिए, सेंटेंस जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।